स्टूडेंट्स, आज जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स और डी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखें कि ये पेपर में जरूर आएगा, क्योंकि ये टॉपिक है इंडियन फार्माकोपिया के लेटेस्ट एडिशन के बारे में। और हर साल फार्माकोपिया से रिलेटेड, उसके साइलेंट फीचर से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर बार, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, ऐसा क्वेश्चन एक जरूर आता है। और बाकी जितने भी और स्टूडेंट्स हैं उनकी भी इन्फॉर्मेशन के लिए उनको पता होना चाहिए कि जो हमारा लेटेस्ट फार्माकोपिया 2018 आया है उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या मेन फीचर्स हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा किस चीज के बारे में कि अभी तक इंडियन फार्माकोपिया के टोटल कितने एडिशन आए हैं, और साथ में नया जो एडिशन आया है 2018 का उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले फार्माकोपिया। फार्माकोपिया आप सब लोग जानते हैं कि जिसके अंदर पूरी कंप्लीट ड्रग की इंफॉर्मेशन मिल जाती है उसको हम फार्माकोपिया बोलते हैं। बहुत सारे फार्माकोपियाज हैं, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, जापानीज फार्माकोपिया, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया, मतलब बहुत सारे फार्माकोपियाज हैं। आप सब लोगों ने देखे भी हैं, मैंने आपको एक पहले वीडियो में सारे के सारे फार्माकोपियाज दिखाए थे। कुछ ऑफिशियल बुक्स होती हैं, मर्क इंडेक्स हो गया, रेमिंगटन हो गया, इसके अलावा मार्टिन डेल हो गई, तो ऐसी बहुत सारी अनगिनत बुक्स हैं जो कि आपके रेफरेंस पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इंडियन फार्माकोपिया की अगर मैं बात करूं, जिसको इंडियन फार्माकोपियल कमीशन ऑफिस गाजियाबाद, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है, वहां से रिलीज किया जाता है। वहां पे साइंटिस्ट दिन रात काम कर रहे हैं, जो कि मोनोग्राफ्स बनाते हैं। और मोनोग्राफ देखिए, फार्माकोपिया के लेटेस्ट एडिशन में होता क्या है, जनरली मैं आपको बता देता हूं, कुछ नए मोनोग्राफ ऐड किए जाते हैं, कुछ मोनोग्राफ्स हटाए जाते हैं, इसके अलावा उनको कुछ ऐसा लग रहा होता है। और कौन कौन से मोनोग्राफ्स ऐड किए जाते हैं उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है, कुछ पायरोजन टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, या पायरोजन टेस्ट का नया पार्ट कुछ अगर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, डिसोल्यूशन डिसइंटीग्रेशन टेस्ट इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। तो ऐसी अनगिनत इन्फॉर्मेशन होती है जो लेटेस्ट फार्माकोपिया के अंदर मिलती है। और कितने वॉल्यूम्स में आता है यह भी एक सरप्राइजिंग फैक्टर रहता है कि अगर कहीं बहुत सारे अगर इसके अंदर मोनोग्राफ्स एड ऑन होते हैं तो हो सकता है वॉल्यूम भी बढ़ाना पड़ जाए। ऐसी बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडियन फार्माकोपिया के सबसे पहले एडिशन के बारे में, जो कि सबसे पहले आया था 1955 में। कब आया था? 1955 में फर्स्ट एडिशन आया था, सेकंड एडिशन आया था 1966 में, थर्ड एडिशन आया 85 में, फिर फोर्थ एडिशन 96 में, उसके बाद आया 2007 में, फिर 2010 में, फिर 2014 में, और फिर 2018 में। तो स्टूडेंट्स, अभी तक टोटल 8 इसके एडिशन आ चुके हैं, जो कि स्टार्टिंग जो हुई 1955, 1966, 1985, 1996, 2007, 2007 के बाद 2010, 2014 और 2018। अभी लेटेस्ट हमारा एडिशन 2018 वाला चल रहा है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये इसके सप्लीमेंट्स हैं, कुछ भी चीजें जो नई एड ऑन होनी होती हैं वो उसके सप्लीमेंट के अंदर आ जाती हैं। आप देख सकते हैं पहले वाले का सप्लीमेंट 1960 के अंदर आया, फिर 75 के अंदर, इसके यहाँ पे दो सप्लीमेंट आए 89 और 91 में, नेक्स्ट जो 1996 में था इसके तीन सप्लीमेंट आए 2000 में, 2002 में और 2005 में, नेक्स्ट जो है 2008 में सप्लीमेंट आया 2007 वाले का, 2010 वाले का सप्लीमेंट 2012 में आया, 2014 वाले का 15 और 16 में आया, और 2018 वाले का आप अभी देख सकते हैं इसका अभी कोई सप्लीमेंट अवेलेबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये आपको ना ईयर्स याद रखने बहुत जरूरी है, क्योंकि पहला क्वेश्चन एग्जामिनर जो आपसे वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है इंडियन फार्माकोपिया के बारे में पूछेगा कि टोटल कितने एडिशन आ चुके हैं, कौन से ईयर में कौन सा एडिशन आया, आप सब लोगों को थोरोली ये याद होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा हूं, सबसे पहले लेटेस्ट फार्माकोपिया के बारे में बताऊंगा, और फिर नेक्स्ट क्लासेस में आपको उसके नीचे वाले जितने भी एडिशन है उसके बारे में डिटेल कवर करूंगा। तो यहां पे हम साइलेंट फीचर्स जानते हैं 8th एडिशन के। तो इसके अंदर अगर मैं मोटे तौर पर बात करूं तो साइलेंट फीचर्स में पहले सबसे पहले वॉल्यूम के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो ये पब्लिश इन चार वॉल्यूम में पब्लिश हुआ, ऑरेंज कलर का है। आप लोगों को मैं पिक्चर भी इसके अंदर एड ऑन करूंगा, आप देख सकते हैं कि ये फार्माकोपिया दिखता कैसे है। सेकंड, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जनरली जब भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है, जो मैंने भी फेस किया है, वो पूछते हैं कि आपने कौन कौन सी ऑफिशियल बुक्स रेफर की हैं, रेफरेंस बुक्स कौन सी रेफर की हैं। तो आप यकीनन इंडियन फार्माकोपिया का नाम जरूर लेंगे, और इंडियन फार्माकोपिया में भी लेटेस्ट कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए, और उसका कलर क्या है, उसके अंदर क्या क्या है, क्या वॉल्यूम है, कितने वॉल्यूम है, कितने उसके अंदर अपेंडिक्स है, कंपेंडिया है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। इसके अंदर यहां पे आप देख सकते हैं 220 नए मोनोग्राफ ऐड किए गए हैं, जिसमें से 170 जो है वो केमिकल्स के हैं, 170 केमिकल्स के हैं, 15 जो है हर्बल के हैं, इसके अलावा 10 जो है ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स के हैं, एंड 2 है वैक्सीन एंड इम्यूनो सीरा के,
और तीन है रेडियोलॉजी के, और इस रेडियोलॉजिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, छह है बायोटेक प्रोडक्ट्स के और 14 है वेटनरी के। तो ये कुछ फार्माकोपिया जो मोनोग्राफ्स, मैंने आप लोगों को मोनोग्राफ की भी वीडियो ऑलरेडी शेयर की हुई है, आप लोगों ने देखा होगा कि मोनोग्राफ के अंदर क्या क्या आता है, वो सारी की सारी चीजें ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, उसको आज हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। बस आपको मोटे तौर पर याद रखना है 220 नए मोनोग्राफ एड किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिवीजन किया गया है 366 मोनोग्राफ्स का, और जिसमें से 7 मोनोग्राफ को निकाल दिया गया। 366 नए कितने ऐड हुए, 220, और इसका रिवीजन कितने का हुआ, 366। कुछ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो एड ऑन की जाती है, या फिर कुछ हटानी होती है तो वो हटा दी जाती है, और 7 मोनोग्राफ जो है वो हटाए गए हैं। पायरोजन टेस्ट, जिसको हम पायरोजन टेस्ट कहते हैं, उसको रिप्लेस किया गया। पायरोजन टेस्ट हैज बीन रिप्लेस्ड विद बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट, इसके थ्रू बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट के वर्ड से रिप्लेस कर दिया गया है। और यहां पे एक और देख सकते हैं, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के मोनोग्राफ 53, कितने हैं 53 न्यू फिक्स डोज कॉम्बिनेशन मोनोग्राफ हैज बीन एडेड, आउट ऑफ विच 25 आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी मोनोग्राफ, किसी भी मोनोग्राफ के अंदर उसको इंक्लूड नहीं किया गया। नेक्स्ट है जनरल चैप्टर्स, यहां पर कुछ जनरल चैप्टर्स हैं, किस किस के ऊपर, वॉल्यूमेट्रिक ग्लासवेयर्स के ऊपर, डिसोल्यूशन टेस्ट के ऊपर, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के ऊपर, कंडक्टिविटी टेस्ट के ऊपर, ये कुछ, और इसके अलावा डायमेंशंस ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स, इसके बारे में रिवीजन किया गया है इसके अंदर। किसके ऊपर, सबसे पहले डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, साथ में डायमेंशंस ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स, कंडक्टिविटी टेस्ट और वॉल्यूमेट्रिक ग्लासवेयर्स के जनरल चैप्टर्स का। नेक्स्ट, जनरल केमिकल टेस्ट जो हम यूज करते हैं नॉर्मली किसी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, जनरल केमिकल टेस्ट एंड टीएलसी फॉर आइडेंटिफिकेशन, इसको रिप्लेस कर दिया गया है मोर ऑथेंटिक टेस्ट के थ्रू। कौन कौन से टेस्ट हैं वो, इंफ्रारेड, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एचपीएलसी, इन पे मेन फोकस किया गया है इस फार्माकोपिया के अंदर। नेक्स्ट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर कंट्रोलिंग द माइक्रोबियल क्वालिटी ऑफ एंटायर मेडिकल रेंज, जनरल चैप्टर एड ऑन किया गया है किस चीज से रिलेटेड, उसकी मेंटेनेंस, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी प्रिजर्वेशन एंड डिस्पोजल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैज बीन रिवाइज्ड। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ जनरल साइलेंट फीचर्स हैं जिसको पढ़ के आप अच्छे तरीके से शायद पेपर में लिख सकते हैं, और मैं आपको फटाफट क्विक रिवीजन कर रहा हूं। सबसे पहले 220 नए मोनोग्राफ ऐड किए गए हैं, सेकंड नंबर पे 366 मोनोग्राफ का रिवीजन हुआ है जिसके अंदर से 7 मोनोग्राफ हटा दिए गए हैं, पायरोजन टेस्ट को रिप्लेस किया गया है बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन वर्ड से, नेक्स्ट 53 न्यू एफडीसी मोनोग्राफ्स ऐड किए गए हैं जिसमें से 25 जो है वो इंक्लूड नहीं किए हुए मोनोग्राफ के अंदर, जनरल चैप्टर्स ऑन वॉल्यूमेट्रिक ग्लासवेयर, कनेक्टिविटी, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन एंड डायमेंशंस ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स हैज बीन रिवाइज्ड। इसके अलावा जनरल केमिकल टेस्ट और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को रिप्लेस किया गया है यूवी से, आईआर से और एचपीएलसी मेथड से, एंड फॉर कंट्रोलिंग द माइक्रोबियल क्वालिटी ऑफ एंटायर मेडिकल रेंज, उसकी मेंटेनेंस से रिलेटेड, उसकी आइडेंटिफिकेशन से, उसकी प्रिजर्वेशन से और उसके डिस्पोजल से रिलेटेड चीजों को रिवाइज किया गया है। आई होप स्टूडेंट्स, आप लोगों को 8th एडिशन जो हमारा इंडियन फार्माकोपिया का 2018 में आया था उसके बारे में सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। बाकी और भी बहुत सारी डिटेल फार्माकोपिया में अवेलेबल है, आप उसको जरूर रेफर करें, क्योंकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंटरेस्टेड पॉइंट है वो आपको फार्माकोपिया ओपन करके ही पता लग पाएगा। और हैबिट लगाइए रेफरेंस बुक्स को पढ़ने की, तभी जाके आप सारी की सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है कि अगर आपके पास एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे अटेम्प्ट करता है। जनरली सेशनल एग्जाम्स के अंदर, जो आपके मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं या फिर फाइनल एग्जाम के अंदर, आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसा मुझे लगता है, ठीक है। बाकी आपके टीचर्स की अलग अलग परसेप्शंस हो सकती हैं, वो हो सकता है किसी और चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे या किसी दूसरे एडिशन को दे, क्योंकि ये लेटेस्ट आया है तो इसकी वजह से मैंने इस पर एम्फेसिस करने की कोशिश की है। इन केस अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमारे चैनल के कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम वहां से भी सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसके जो एडिशन 2014 में आया और 2010 में आया इसके बारे में डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच।